लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता, मैं हूं आपके साथ सोनी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद का निधन हो गया। बताया जा रहा सुल्तान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां आज उनका निधन हो गया। सुल्तान की उम्र 64 साल थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर इस पर शोक व्यक्त किया। ममता ने ट्विटर पर लिखा कि सुल्तान अहमद के निधन की खबर से मैं काफी शॉक्ड हूं, मेरी सांत्वना उनके परिवार के साथ है। इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, कितना बड़ा झटका माना जाएगा टीएमसी के लिए उनका निधन? देखिए सोनी, सबसे पहले तो ये तृणमूल के लिए बहुत बड़ा ही झटका है, क्योंकि एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे। अल्पसंख्यक समुदाय में इतनी एक अच्छी पैठ थी, अच्छी पकड़ थी। कहा जाता है कि तृणमूल को अगर मुस्लिम वोट बैंक का जो समर्थन मिला था, उसमें सुल्तान अहमद एक कद्दावर नेता थे और हावड़ा से ही सटा हुआ जो लोकसभा क्षेत्र है उलबेड़िया, वहां से दो बार ये सांसद चुने जा चुके हैं और इसके बाद तृणमूल के साथ इनका काफी पुराना रिश्ता रहा है और कई पुराने नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि हालांकि जैसे ही उनके मृत्यु की खबर फैली, ममता बनर्जी ने ट्वीट पर शोक संदेश व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे राजनीतिक सफर के लंबे समय के साथी रह चुके हैं और उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा ही नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई शायद ही हो पाएगी। और मुख्यमंत्री ने अपने तमाम बड़े नेताओं को भी निर्देश दिया कि वो उनके निवास स्थल पर पहुंचे। हालांकि शुरुआती दौर में खबरें ये मिली कि कोलकाता के रिपन स्थित उनका जो निवास स्थल है वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद जब उन्हें बेलगू अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे कोलकाता का जो मध्य दक्षिण कोलकाता का जो शुरुआती दौर क्षेत्र है, कहा जाता है कि कुछ हिस्सा वो उत्तर कोलकाता लोकसभा के क्षेत्र में पड़ता है और दक्षिण कोलकाता के क्षेत्र में पड़ता है। और बात की जाए अगर सुल्तान अहमद की, तो उनके छोटे भाई है इकबाल अहमद, जो कि कोलकाता के डिप्टी मेयर है, इनके निधन को लेकर इनके समर्थकों में एक तरफ जहां शोक की लहर है, वहीं एक सबसे अहम सवाल जो सामने आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ही दोनों भाइयों के नाम, दोनों अहमद भाइयों के नाम, यानी कि इकबाल अहमद और सांसद सुल्तान अहमद का नाम शारदा कांड में जुड़ा था और शारदा कांड में भी सीबीआई जो जांच कर रही थी, तो दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही थी। सीबीआई ने इन्हें निजाम पैलेस में बुलाया था पूछताछ के लिए। हालांकि उस दौरान इन्होंने सीबीआई के समक्ष पेश होने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये वहां गए थे, पीसी भी हुई थी इनकी। लेकिन कई मुद्दे पर सीबीआई ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि सीबीआई के साथ ये जांच का सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कहीं न कहीं शायद सीबीआई के दबाव या उसके मानसिक तनाव के कारण, लेकिन जो खबरें मिल रही है कि 15 अगस्त के पहले से ही ये अस्वस्थ चल रहे थे। हालांकि 21 जुलाई की जनसभा में भी ये उपस्थित नहीं हो पाए थे, गए थे थोड़ी देर के लिए और वहां से चले गए थे। तो ये कहीं न कहीं शारीरिक रूप से अस्वस्थता इनकी विगत कुछ दिनों से चल रही थी और आज सुबह जैसे ही ये खबर फैली, मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 99 के निकट जो नई समीक्षा भवन बनाई गई है वहां बैठक उन्होंने आयोजित की थी, प्रशासनिक बैठक, उन्होंने उस बैठक को भी रद्द कर दिया और राज्य सरकार के जितने तमाम आला मंत्री हैं, सुब्रत मुखर्जी हो या फिर तपन दास गुप्ता कहे, हालांकि राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम जो है वो इस वक्त भारत में नहीं है, हज करने के लिए वो भारत के बाहर गए हुए हैं, अरब गए हुए हैं। तो इस दौरान यहाँ पर जो और ऐसे नेता है जो पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की बात करें, अस्वस्थ है वो, अभी हाल फिलहाल में ही वो भी जेल से निकलकर बाहर आए थे और उड़ीसा अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो भी उनके निवास स्थल पर पहुंच चुके हैं। नैना बंदोपाध्याय पहुंच चुकी है, विधायक स्मिता बख्शी पहुंच चुकी है, जो तमाम तृणमूल के जितने बड़े नेता हैं वो सारे अस्पताल से लेकर उनके घर तक पहुंच चुके हैं और पूरा इलाका है वो समर्थकों से भर चुका है और कहीं न कहीं रिपन स्ट्रीट का जो इलाका जो गढ़ कहा जाता है जी, वो क्षेत्र तो माकपा का है लेकिन गढ़ तृणमूल का कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है
क्योंकि वहाँ तृणमूल नहीं जीतती है, वहाँ सुल्तान अहमद और इकबाल अहमद जीतते हैं। उनकी अपनी एक छवि है, उनका अपना एक जन समर्थन है, और शायद इस जन समर्थन की वजह से ही आज उनके जो समर्थक है, उनके जो प्रशंसक है, जो उनके साथ लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए थे, यानी कि जब भी सुल्तान अहमद निर्देश देते थे कि पार्टी का झंडा उठाकर उन्हें सड़क पर उतर जाना है, तो उनके समर्थक सबसे पहले सुल्तान अहमद का नाम लेकर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते थे। आज उन समर्थकों के आंखों पर आंखों से आंसू छलक रहे हैं और पूरा इलाका कहीं न कहीं शोक के लहर में डूब गया है। सुनिए, चलिए विकास, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। झारखंड के माइथन स्थित एक मैदान में स्वर्गीय कामरेड नेता गुरुदास चटर्जी की याद में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ 64 टीमों ने हिस्सा लिया। एनसीसी की ऑल इंडिया इंटर डायरेक्टरेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 10वीं बंगाल बटालियन की मेजबानी में शनिवार की शाम आसनसोल राइफल क्लब में पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुई। एनसीसी की पश्चिम बंगाल व सिक्किम निदेशालय की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, वहीं उत्तर प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही। पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, नेशनल राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार धल, मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास, राइफल क्लब के संदीप सामंत, एनसीसी 10वीं बटालियन के सीओ कर्नल एके सिन्हा आदि उपस्थित थे। कर्नल सिन्हा ने बताया कि प्रतियोगिता में एनसीसी के 17 निदेशालय की टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें बंगाल के शूटरों ने शानदार प्रदर्शन भी किया। बंगाल के 16 में से 13 शूटरों ने मेडल भी जीते, जिसके कारण बंगाल की टीम 57 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 22 अंकों के साथ रही, वहीं पंजाब, हिमाचल व चंडीगढ़ की टीम तृतीय स्थान पर रही। It's been a great experience. We practiced for around 3-4 months. For practice camp, we went to Roper, near Chandigarh for 10 days. And then we practiced in our Delhi only. We did dry practice in our unit only. And we got firing. We did firing at Raj Rifle Center. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।